चांद नजर आ गया। आज बहुत रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखा तुझे तो मैंने सोच लिया बिना तेरे हूँ मैं। होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। सो गाइस, रमजान होने वाला है शुरू, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? ऑब्वियसली ग्रोसरीज। तो हम लोग जा रहे हैं इस टाइम ग्रॉसरी करने, और जो हम लोगों का शौक होते हैं यार, कप ले आए, गिलास ले आए। सो अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी और ये कप गिलास वगैरह लेने। और कपड़े वगैरह ना हमने पहले ले लिए थे, तो टेलर्स वगैरह को दे दिए थे, क्योंकि फिर बहुत मसले होते हैं। सो अब हम आपको बाजार जाके मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं इम्तियाज। बहुत ज़्यादा रश होगा, कल शायद रोज़ा हो जाए, पर रोज़ा हुआ है नहीं, तो अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है इम्तियाज को। गला भी बहुत नॉर्मल से, अभी इतना नहीं है रश। ट्रॉली तो लेती हो क्या यार? मुझे ना बहुत बुरा लगता है जब ना ट्रॉली ख़त्म हो जाती है और फिर ना ट्रॉली किसी से मांगनी पड़ती है। आप ही सामान रखते थे, प्लीज़ ट्रॉली हमें देखिए, वो देखो 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 ट्रॉली चाहिए, ट्रॉली चाहिए, ट्रॉली चाहिए। और गाइस, हमें ट्रॉली मिल गई है, थैंक यू। लेके चलो प्लीज ना। मैंने तुम बहुत अच्छी लग रही यार, देख रहे थे फ्रेंड्स पे इतना रश क्यों है मरियम, बताओ जरा। है बोलो तो सही। शॉपिंग शुरू होने से पहले सीन ऐसा है कि मामा लेने गई हैं अपनी मेडिसिन, जो कहीं से नहीं मिल रही। अगर प्लीज किसी को मेडिसिन मिले तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। यार इम्तियाज पे अन्नी मच चुकी ऑलरेडी। मैं इम्तियाज से केक पसंद है। सो हम जा रहे हैं सैलेड काउंटर। सो गाइस, चांद नजर आ गया। आप सबको बहुत 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 रमजान मुबारक। फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपनी फेवरेट जगह, जो कि है लकी वन। सो बाकी की शॉपिंग करेंगे हम हाइपर से, और कुछ कपड़े वगैरह भी देखने हैं, तो चलते हैं अंदर। आप सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक। आज हो गया रोजा, जो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आज हो जाएगा। बहुत बहुत रमजान मुबारक हम सबकी तरफ से, और शॉपिंग करने का बहुत मजा आ रहा है आज के सन से। यार शॉपिंग हो चुकी है, ठीक है, और मामा बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं। मैं आपको अब घर जाके सहरी पे मिलती हूँ। तो गाइस, सीन ये है कि हम सहरी की तैयारी करने के बजाय मरियम को हॉस्पिटल लेके आए हुए, क्योंकि उसकी तबीयत हो चुकी है शदीद तरीन ख़राब। माशाल्लाह गाइस, बहुत अच्छी शॉपिंग आज हो गई है, बस अब सहरी का वो कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि यार आज रोज़ा हो जाएगा। मतलब शाम में ही लग रहा था यार कि रोज़ा हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में बड़ा भंड हो गया, एकदम से मैंने रोज़े का बोल दिया। तो अब बस सहरी की तैयारी कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें आज रह भी गई हैं जल्दी जल्दी में। तो मेरे साथ ना आजकल एक सीन चल रहा है कि ना मेरी रूटीन ना बहुत ज़्यादा टफ हुई हुई है। सुबह भी मैं जल्दी उठ गई थी, कुछ काम था, वहाँ जाना था, फिर वहाँ गए, ठीक है, और इंशाल्लाह किसी दिन आप लोग को डिटेल में बताऊंगी। वो भी बड़ा चल रहा है आजकल साथ साथ। तो अब इस टाइम ना मेरी बैटरी बिल्कुल लो चुकी है, ये आ चुकी है, और टमाटर भी आ चुकी हैं। ये हम ना दही की मलाई खाते हैं उसमें, और वो क्या है, वो मैंने टिक्का मंगवाया। ओह गॉड, ये सहरी में टिक्का खाने वाली है, ये कैसे रोजा रखेगी। और अभी यार पराठों का सीन ये है कि गैस जो है ना, गैस ने किया बहुत बड़ा भंड। गैस जो थी ना वो नहीं आ रही थी, और अभी 5 मिनट पहले गैस आई है, तो हम फौरन से सहरी के लिए उठी हैं। का मूड इतना ज़्यादा ऑफ था हम लोग का, थोड़ा चल रहा था, दूध हम लाने के बजाय क्रीम ले आए हैं, क्रीम ले आए हैं ऑलफर्स की। और अब घर आकर जब मैंने सहरी के टाइम वो खोला तो वो क्रीम निकली, मैंने कहा यार ये क्या हुआ है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
यार तो मौलवी साहब ने कर दिया है ऐलान के जी रोजेदार उठो और रोजे की तैयारी कर लो। सह वो गैस आ चुकी है, मौलवी साहब भी ऐलान कर रहे हैं। हाय कैसी हैं आप? आप रोजा कहाँ पे रख रही हैं? फ्रिज में। फ्रिज में आप रोजा फ्रिज में रखेंगी? अहमद भी तो इस दफा डीप फ्रीजर में रख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, फर्स्ट सहरी हम करने लगे हैं, बहुत सब ने कर ली है और मैं और हूर करने लगे हैं ये चाय हम दोनों की। हम ना बड़े प्यारे कलरफुल कप्स लेके आए हैं, ये प्लीज इधर दिखाना। ये देखें, हम ना बड़े प्यारे कलरफुल कप्स लेके आए हैं, तो मैं आपको बाकी सब भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। रमजान मुबारक करेंगे सबको, ठीक है? पहले फिनिश कर ले, फिर हम आप सबको रमजान मुबारक करेंगे। कुछ तो कहो, तो कहो रमजान मुबारक कह दो मरियम। रमजान मुबारक कह रही है जी मरियम, उसकी आवाज नहीं निकल रही लेकिन ये फिर भी रोजा रख रही है। क्योंकि उसे क्या हो रहा है? तहलील को भी बहुत टेम्परेचर था, फिर तहलील, लेकिन तहलील ने दवाई खाई वो सही होगी, है ना? ये डिस्को कप बहुत फरमाइश पे है, इसमें सिल्वर कलर भी था पर हम ये लेके आए कि मरियम का। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज वगैरह पढ़ ली है, रोज़ा रख लिया है, आप सबकी दुआओं से आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। आप सब भी ऐसे खुश रहें, अच्छे अच्छे रोज़े रखते रहें। सो आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि अचानक हो गया रोज़ा तो बहुत ही बिजी हो गया था और फिर शॉपिंग में इतनी दिखा नहीं सकी आप लोगों को। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक आप सब ऐसे ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सबको रमज़ान मुबारक और अल्लाह हाफिज़।